हेलो बच्चों, वेलकम टू द टूर ऑफ साइंस। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर टूर ऑफ साइंस में। और आज फिर आपको एक नए सफर पर लेकर चल रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। हम 2 दिन के पार्ट हम कर चुके हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं आज वो करने वाले हैं। तो चलो करते हैं सॉल्व। क्या होता है देखो, पॉलिनोमियल के अंदर हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जीरोज वगैरह निकाली थी और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज हमने निकाली थी। तो आज हम उनको थोड़ा सा और आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो हम रिलेशन बिटवीन जीरोज निकालेंगे, जैसे कि हमने किया था। तो वहां पर हमने दो छोटे छोटे फार्मूले इस्तेमाल किए थे, सम ऑफ जीरोज का विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए। तो ये बी ए सी और ए, ये कहां से आया, हमारे पास एक इक्वेशन है ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू जीरो, जहां पर कॉफिशंट कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर ए के बराबर होता है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स बी के बराबर होता है, और एक टर्म होती है कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं सी। तो ये तीनों चीजें यहां से आए, यहां ध्यान से देखें, तीनों चीजें यहां से आए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर थ्री। तो पार्ट नंबर थ्री को करने वाले हैं। देखो तो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक के अंदर, 6x² माइनस थ्री माइनस 7x, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसके अलावा फोर्थ पार्ट भी हम करेंगे, जो लिखा हुआ है बच्चों, फोर्थ पार्ट है आपका 4x² n है, सॉरी 4n² प्लस 8n, 8n, और u भी है अलग अलग बुक के अंदर, 4 और 8u, ये भी लिखा हुआ है एक तो बुक के अंदर, तो आप देखें। चलो पार्ट थर्ड देखते हैं एक बार क्या करना है। तो यहां पर है हमारा 6x² माइनस थ्री माइनस 7x। तो सबसे पहले तो रीअरेंज करें इसको, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो कल वाला जो टॉपिक हमने किया था वैसे ही आज इसको सॉल्व करेंगे। तो आज इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, देखो इसकी कॉफिशियंट ऑफ x² और सी कॉन्स्टेंट, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई देखें, 6 × -3 विच इज इक्वल टू -8, ठीक है। 6 × -3 -18, मतलब ए और सी की मल्टीप्लाई, क्लियर। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो 18, और उनका सम कितना होना चाहिए 7 माइनस का, ठीक है। तो मान लीजिए 9 × 2 कितना आ गया, 18 आ गया। लेकिन हमें सम क्या चाहिए इन दोनों नंबरों का, अगर इनको जोड़े तो हमें चाहिए 7, लेकिन यहां तो 7 नहीं आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मान लो बड़े नंबर को माइनस किया तब बचा हमारे पास -7, बड़े नंबर को माइनस किया तो यहां आ गया -18। तो ऐसे दो नंबर जो हमारे जीरोज निकालेंगे वो है -9 और 2। तो यहां पर पुट करें, 6x², मतलब -7x किसके बराबर लिखा जा सकता है, 9 और +2 के बराबर, बट इनके साथ x भी है तो x भी लगा देंगे, 9x और 7। आप देखेंगे कि 9x में से 2 निकालेंगे, माइनस करते हैं तो माइनस का 7 बचेगा 0 के बराबर। तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है एक, तो दूसरा x भी कॉमन है, तो यहां बच गया 2 और साथ में बचा x, यहां बचा 3। यहां पर क्या कॉमन लिया जा सकता है, 1, यहां आ गया 2x माइनस 3 एज इट इज बराबर 0, मतलब इसमें से 1 कॉमन। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 कॉमन है, इसमें भी 2x माइनस 3 है और इसमें भी 2x माइनस 3, तो यहां पर लिख लिया। अंदर क्या बचा बच्चों, 3x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये दो आ गए हमारे पास। अब इनको जीरोज की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर।
जीरो। तो यहां से एक्स क्या आ गया बच्चों, प्लस थ्री, ये टू नीचे आ जाएगा प्लस टू, यहां से एक्स उस तरफ, वन उस तरफ सॉरी, माइनस वन, और ये थ्री मल्टीप्लाई में है यहां, तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा थ्री। तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ गई। तो हमें करना है सबसे पहले सम ऑफ नंबर्स। देखो सम ऑफ नंबर्स यहां पे, सम ऑफ नंबर्स कौन से, जीरोस वाले, ठीक है जीरोस। अब यहां पर जीरोस ये दो हमारे पास, इनका सम करके देखेंगे। सबसे पहले माइनस थ्री बाय टू, प्लस थ्री बाय टू, और इसके साथ जोड़ेंगे वन बाय थ्री को, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा सिक्स, ठीक है, थ्री नाइन, और ये आ गया टू, सेवन बाय, सेवन बाय सिक्स, मतलब बी बाय, जो बी बाय सिक्स, बी बाय ए। तो ये जो सम हमने किया जीरोस का, ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए। तो पुट करें तो यहां से ये लेफ्ट हैंड साइड मान लो, तो राइट हैंड साइड की अगर बात करें, कौन सी राइट हैंड साइड, कि भाई हम राइट हैंड साइड इसको बनाने बनाना चाहते हैं, मान लो माइनस बी बाई ए के बराबर, और इस इक्वेशन के हिसाब से बी बाई ए क्या है, ये वाली अरेंज करने के बाद बी ए है कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो माइनस का सेवन, और इसको पुट करेंगे माइनस का सेवन, इसके अंदर एक ऑलरेडी माइनस था बाहर, माइनस है, और बी की जगह पे क्या है, माइनस सेवन पुट किया, डिवाइड बाई ए, ए क्या है यहां पर सिक्स, तो सिक्स पुट किया तो ये आ गया सेवन बाई सिक्स। तो ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए बच्चों। तो ध्यान से देखें दोनों क्या आ गए, बराबर, और दोनों बराबर आने का मतलब क्या है कि ये ठीक है इक्वेशन, हमारे जीरोज यही आएंगे। और दूसरी बात, अब इनके प्रोडक्ट की अगर बात करें, अगर इनका प्रोडक्ट करूं दोनों का, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इसका और इसका प्रोडक्ट, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट थ्री बाई टू इंटू माइनस वन बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, माइनस वन बाई टू। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं प्रोडक्ट की, तो इस फार्मूले के हिसाब से भी माइनस वन बाई टू आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो इनका यहां पर पुट करें सी बाई ए, सी क्या है हमारा, इसके अंदर माइनस का थ्री, तो माइनस का थ्री रख दिया सी की जगह पे, ए की जगह पे क्या रखेंगे सिक्स, क्योंकि ए की जगह पे सिक्स है, तो ये कटेगा तो माइनस का वन बाई टू। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और दोनों इक्वेशन की लेफ्ट राइट साइड क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई बच्चों, इजी सी टर्म है, आपको एक कंसेप्ट याद रखना है इसके अंदर, कि हमें रिलेशन बिटवीन जीरोज निकालनी है, और हमें जीरोज भी निकालना है, सबसे पहले तो जीरोज निकालना है, उसके बाद ही आप रिलेशन निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए है, और ये दोनों फार्मूले जो बने बना रखे हैं, ये कैसे बने, वो यहां से बने। आप देखेंगे ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो क्या हो 18, और जिनकी का सम क्या हो 7, तो यहां पर देखकर इसके अंदर से आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट किसका, ए का और सी का, और सम क्या, बी, क्लियर। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट की, था पार्ट नंबर थ्री एनसीईआरटी का। तो इसमें भी बच्चों क्या करेंगे, देखो इसके अंदर क्या है, 4u² + 8u, ठीक है। अब इसको 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 सॉल्व करना, सबसे पहले तो देखो इसमें से कॉमन आ रहा है 4u बाहर आ रहा है, यहां क्या बचा u, और यहां क्या बचा 2, विच इज इक्वल टू 0। तो 4u एक बार 0 के बराबर, 4u किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो यहां से u क्या आ गया 0, और यहां से u क्या आ गया माइनस का 2। तो हमारे जीरोज क्या आ गए, यहां से बच्चों जीरोज क्या आ गए, 0 और माइनस 2। तो यही दोनों के दोनों, अब यहां इसकी बात करेंगे, तो पहले तो सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए। तो यहां पर माइनस बी, बी तो है ही नहीं, बी क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ यू होता है, ठीक है, कॉफिशियंट ऑफ यू, ये रहा कॉफिशियंट ऑफ है इसके अंदर, तो कॉफिशियंट टू यू, ठीक है, कॉफिशियंट ऑफ यू बी, ठीक है। तो बी क्या है हमारे पास, फोर, यहां पर एट है सॉरी,
एट, ए क्या है फोर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा तो हमारा सम ऑफ जो सम ऑफ जीरोज है वो टू आना चाहिए। अब सम ऑफ जीरोज इन दोनों को जोड़ो तो हमारा इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा भाई, और माइनस रखना था यहाँ पे, सॉरी ये भूल गए, माइनस भी रखना था तो माइनस रखा तो माइनस का टू आ गया। तो अगर इनके अकॉर्डिंग करें तो सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज करें जीरो प्लस ये माइनस का टू, तो ये माइनस का टू, तो मतलब यहाँ भी जो प्रोडक्ट हमने निकाला वो भी टू के माइनस टू के बराबर, और फार्मूले में पुट करेंगे तब भी मतलब ये सम ऑफ जीरोज निकल जाएंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, सी बाई ए, तो सी कितना है, सी इसके अंदर है ही नहीं, सी तो जीरो है क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा जीरोस का, तो इनका इनके अकॉर्डिंग हो जाएगा प्रोडक्ट, मतलब जीरो का और माइनस टू का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरो, तो ये भी जीरो है ये भी जीरो, मतलब फार्मूले में भी जीरो और वैसे भी डायरेक्टली अगर आप जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं तो भी क्या आ जाता है जीरो आ जाता है, तो जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। तो एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है पार्ट एक छोटा सा, और अभी बताते हैं आपको। देखो टी स्क्वेयर माइनस 15, ठीक है, पार्ट कौन सा है, पार्ट है फिफ्थ, तो फिफ्थ पार्ट है। अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है बच्चों रूट 15 को रूट 15, ठीक है, इसका स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैसी फॉर्म बन गई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म लगा देंगे तो वो होता है ए का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्लियर। तो इसको बी सी टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो टी प्लस 15 रूट 15 और टी माइनस रूट 15 ये आ जाएगा, ठीक है रूट 15। अब इनको भी टी प्लस रूट 15 को एक बार जीरो के बराबर इस फैक्टर को, और एक टी माइनस रूट 15 इसको जीरो के बराबर रखेंगे बच्चों, आ गया समझ में, बिल्कुल इजी सी टर्म है। सबसे पहले क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 को ऐसा आप कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमें ये दो टुकड़े अलग अलग से मिल जाए, ठीक है, इसका जीरोज निकालना है ना, इसलिए तो इस 15 के ऊपर हमने रूट लगाया, रूट का मतलब 1/2, तो उसकी पावर अगर 2 कर देंगे तो बात तो बराबर रहेगी रूट 15, क्योंकि रूट 15 के ऊपर अगर स्क्वेयर लगा देते तो ये कैंसिल हो जाता, मतलब 15 के ही बराबर, मतलब इस चीज को इसमें कन्वर्ट किया। फिर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट मीन्स दैट कि इसको इस टर्म को इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर इनको जीरो जीरो के बराबर रखा, अब इनके जीरोज निकालेंगे, टी क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का रूट 15, और यहाँ क्या आ जाएगा टी इक्वल टू प्लस का रूट 15, ठीक है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज, अब जीरोज का सम क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा जीरो। अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों, प्रोडक्ट अगर इन दोनों का करते हैं माइनस का 15 इंटू प्लस का 15, ठीक है, अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं जैसे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाएंगी, और दोनों की पावर क्या है 1/2 और 1/2, 1/2 को 1/2 में जोड़ते हैं तो 1 के बराबर होती है, तो सेम नंबर का प्रोडक्ट हमेशा सेम नंबर रहेगा, निशान रहेगा माइनस का, ठीक है, तो 15 आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 15। ये तो निकाला हमने जीरो से, अब इसको कंपैरिजन करते हैं, जो फार्मूला हमें मिला है वो क्या है फार्मूला हमारा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर था, माइनस का बी बाई, तो माइनस का बी, बी क्या है कॉफिशियंट ऑफ टी, इसके अकॉर्डिंग कॉफिशियंट ऑफ टी होना चाहिए जो है ही नहीं जीरो, तो बात तो बराबर हो गई ये वाली और ये वाली, क्योंकि बी की जगह पे क्या है जीरो, क्योंकि
बी क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ टी, टी है नहीं इसके अंदर, टी स्क्वेयर है लेकिन टी नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट क्या है, सी बाई ए के बराबर। सी क्या है इसके अंदर, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट क्या है, माइनस का 15, माइनस का 15, तो ये पूरी टर्म ली जाएगी सी की जगह पे, कॉन्स्टेंट नंबर है तो सी बाई ए। ए क्या है, कॉफिशियंट ऑफ टी, टी स्क्वेयर, ये 1 के बराबर है तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 15, तो ये आंसर आ गया आपका माइनस का 15। तो देखिए यहाँ भी माइनस 15 है, यहाँ भी माइनस 15 है, मतलब ये दोनों टर्म बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है हमारा, और इसको जांच किया है हमने इस तरीके से। तो आप भी इन क्वेश्चनों को जांच सकते हैं खुद और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप के आपको वीडियो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल द टाइम टेक केयर।